हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल जग्गू दादा। आज बैठा हूं मैं हूं अभी कुवैत में लाइव और आप देख रहे हैं मुझे जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम हैंडल जग्गू दादा पे। आज मेरे साथ बैठे हैं मेरे गाँव के आदमी, जो मेरा गाँव है पट्टी चौथान, और इस चौथान के सबसे बड़े गाँव के लोग हैं हमारे छोटे भाई शिव सिंह बिस्ट। इनका एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। ये पहले दुबई में थे लगभग 3-4 साल, इसके बाद चले गए थे अपने इंडिया, और उसके बाद अभी हाल ही में कुवैत आए हैं। लगभग इनको 2 महीने हो गए इधर। मैं छुट्टी में था, कुछ सामान था इनका, और मैं इनके साथ इनका सामान लेके आया हूँ, और आज सुबह लेके ये मेरे रूम पे आए हैं। मेरा रूम है, आपको मालूम है, रिगाई में। आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और एक कहानी है मेरे दोस्त की, मेरे गाँव की, जो हम साथी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शिव सिंह, ये बताओ आपको कितना टाइम हो गया इधर? यहाँ पे भी दो महीने हो रहे हैं, 2 महीने होने वाले हैं। अच्छा, आप किस एजेंट के थ्रू यहाँ आए थे और कितना टाइम लगा था आपको यहाँ पे? इसका जो प्रोसेस है, कम से कम 3-4 महीना हो गया था प्रोसेस में। अच्छा, मैं आया था दिल्ली से, मेन पावर से। अच्छा, मेन पावर से आया था, मेन पावर जो कंसल्टेंसी है। अच्छा, वहाँ से आया था दिल्ली से। जब आपका इंटरव्यू हुआ, ऑफलाइन हुआ या ऑनलाइन हुआ? मेरा इंटरव्यू जूम पे हुआ था, ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन ही हुआ था। अच्छा, तो टोटल आपको 3-4 महीने लग गए? 3-4 महीने लग गया PCC बनाने में। उसके बाद मेडिकल होता है, प्री मेडिकल होता है, फिर उसके बाद जो गम का मेडिकल होता है वो होता है, फिर PCC होती है, फिर उसके बाद तब जाके होता है प्रोसेस। आप एक सवाल बताओ, जैसे आपने इंटरव्यू दिया, सबसे पहले आपने इंटरव्यू दिया, आपको ऑफ लेटर मिला? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ऑनलाइन तो हो गया, आपके पास हो गया, उसके बाद आपने साइन करे होंगे ऑफिस में जाके? हाँ, ऑफिस में, और जैसे फिर उसके बाद जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस बताओ, क्योंकि काफ़ी लोग अभी आना चाह रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यू दे दें और परेशान हो जाते हैं, 2 महीना 3 महीना। कुवैत का बेसिकली 3 महीना, 3-4 महीना, एक्चुअली में कभी कभी 6 महीना भी लग जाता है। हाँ जी, पहले क्या होता है, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद 1 हफ्ते बाद वो ऑफर लेटर मिल जाएगा। ऑफर लेटर मिलने के बाद उसके बाद वो प्री मेडिकल करते हैं। अच्छा, अगर सिलेक्शन हो गया तो ऑफर लेटर मिल जाता है, अगर ऑफर लेटर तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं उसके बाद प्री मेडिकल करना होता है। अच्छा, वो 2-3 हज़ार रुपये में हो जाते हैं। उसके बाद प्री मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद वो वीज़ा अप्लाई के लिए होगा। अगर वीज़ा आ गया तो फिर वो PCC अप्लाई करनी पड़ती है। वीज़ा आने के बाद PCC अप्लाई करोगे, और PCC में कम से कम आजकल तो एक किसी का 1 महीना लग रहा है, किसी का 15 दिन में हो जाता है। अभी इस टाइम पे थोड़ा टाइम लग रहा है PCC में। मेरा तो हो गया था, 15-16 दिन में आ गया था मेरा PCC। लेकिन बहुत से हमारे भाई लोग हैं जो पहले कुवैत आए थे, उनका 2-3 मंथ लग गया था PCC में। तो वीज़ा उस हिसाब से, जैसे वीज़ा आता है तो वीज़ा पहले ही मतलब PCC अप्लाई कर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि PCC का जो टाइम होता है 6 मंथ का होता है। हाँ, तो मैंने ऑफर लेटर आया था मेरा, उसी के बाद मैंने डायरेक्ट अपना PCC अप्लाई कर दिया था। अच्छा, तो फिर उसके बाद जब वीज़ा आया, वीज़ा आने के बाद तो मेरा PCC ऑलरेडी पहले बन चुका था, फिर मेरा वीज़ा आया, फिर मैंने गम का मेडिकल किया, उसमें 2-3 दिन लगा। हाँ, तो मेरा मेडिकल हुआ गम का, मैं लखनऊ में किया था, लखनऊ गया था मेडिकल के लिए। अच्छा, रीजा मेडिकल सेंटर। अच्छा, तो उसमें कितना पैसा लगा था? उसमें जो मेडिकल का लिया था उन्होंने 48 सौ रुपये। अच्छा, पहले 4500 रुपये होता था। हाँ, अभी 2-3 सौ रुपये बढ़ा दिए। अच्छा, तो जो गम का, जो ये गम का मेडिकल होता है, और जो पहले जो मेडिकल होता है उसमें 3000 रुपये लेता है। अच्छा, और PCC में लग जाते हैं कम से कम 500 ऑनलाइन होता है, 200 रुपये वो लेता है, 700 रुपये 700-800 रुपये लग जाता है PCC। उसके बाद पौड़ी जाओ, देहरादून जाओ, पौड़ी जाओ, मतलब बहुत भागा दौड़ी है। हाँ, कुवैत मतलब ऐसा है कि कुवैत के लिए बहुत भागा दौड़ी करना। हाँ, हाँ। नॉर्मली है अरब कंट्री में किसी भी जगह जाओ ना, तो दुबई तो बहुत क्विक है, दुबई में क्विक हो जाता है। 21 दिन में मेरा वीजा आ गया था दुबई का, पूरा सब कुछ हो गया था, नॉर्मल मेडिकल होता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कुवैत का ये है कि प्री मेडिकल, उसके बाद जो फाइनल का जो मेडिकल होता है वो, उसके बाद PCC है, बहुत वो है, पहले इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद ऑफर लेटर मिलेगा, ऐसे 5-6 महीने चले जाते हैं। तो ये चीज़ है, तो इसलिए पूरा टाइम जो ऑफर लेटर के बाद और फ्लाइट टिकट मिलने में टोटल आपका 4-5 महीने लग गया। 4-5 महीने लग गया, मतलब 5 महीने में यहाँ मतलब हूँ मैं भी कुवैत। एक सवाल होता है, जो आपको ऑफर लेटर में लिखा था, जो भी कंडीशन अप्लाई होती है उसके बारे में बताओ। जैसे मेन होता है कि सैलरी कितनी है, वो सैलरी आपको इधर मिली या नहीं? नहीं, जो ऑफर लेटर में जितना सैलरी बोला था उतना यहाँ पे मतलब मिल रहा है, मतलब वही सैलरी। हाँ, वो टाइमिंग भी सेम है, मतलब यहाँ पे क्या है कि ओवर टाइम को उसमें लिखा नहीं होता है, 9 आवर्स ड्यूटी होती है तो 9 घंटे ड्यूटी हो रही है, तो किसी को ओवर टाइम मिलता है, किसी को नहीं मिलता, वो तो ड्यूटी के काम के चल उसके हिसाब से। अच्छा, और जैसे उसमें अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल? अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से है, प्लस फूड ऑन ड्यूटी है, उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है वो कंपनी का है। अच्छा, मतलब जो ऑफर लेटर में लिखा वो सभी कंडीशन अप्लाई थे? हाँ, जो ऑफर लेटर में है वो सब मतलब कंडीशन सब सही है, मतलब जो भी ऑफर लेटर में लिखा है वो सही है, मतलब मिल रहे हैं। हाँ, जो नए बंदे आने चाहते हैं उनको
किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब बंदा हमारा, मैं से नहीं बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से, बिहार से, यूपी से, काफ़ी लोग जो यूट्यूब देख रहे हैं, उनका मैसेज होता है कि हम यहाँ आ गए, जब यहाँ आ जाते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं, फिर मिलते हैं हमसे, तो उनका सवाल होता है कि मेरी ड्यूटी 12 घंटे है, कोई छुट्टी नहीं है, सैलरी 120 है, 85 है, तो उनको पहले ये ध्यान रखना चाहिए ना। पहले ये ध्यान, जब ऑफर लेटर आता है तो उसमें जो भी चीज़ें होती है सारी मेंशन होती है कि मतलब ड्यूटी कितना होगा, खाना कंपनी दे रही है या नहीं दे रही है, उसमें सब कुछ लिखा होता है, A to Z उसमें पूरी डिटेल्स होती है, तुम्हारा वीजा कौन सा है, क्योंकि अभी खूबे जो गवर्नमेंट है ना, पहले ई वीजा करके देती थी, अभी इलेक्ट्रॉनिक वीजा दे रही है। हाँ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वीजा हो रहा है ना, इसमें क्विक हो रहा है, पहले बहुत टाइम लगता था, बहुत टाइम लगता था, किसी किसी का तो 8 महीने लग जाता था, किसी का 9 महीने, क्योंकि वो पीसीसी टाइम से होता नहीं था, अभी इलेक्ट्रॉनिक वीजा में 2 से 3 महीने में हो जा रहा है, अब और फास्ट हो रहा है, मतलब 3 महीने 4 महीने ज्यादा से ज्यादा 4 महीने हो जाए, पहले तो बहुत लगे। तो सवाल ये है कि काफी जब लड़के यहाँ पहुंच जाते हैं, काफी लड़के जैसे ओमान पहुंच जाते हैं, तो वो बोलते हैं हमारी 12 घंटे ड्यूटी है, कोई छुट्टी नहीं है, मतलब 12 महीने उनको काम करना है, कोई छुट्टी नहीं है और ड्यूटी है 12 घंटे, और जैसे कुछ फेस्टिवल आ गया, ईद आ गया, न्यू ईयर इनका कुछ भी आ गया, क्रिसमस आ गया, तो उनको डबल और ट्रिपल ड्यूटी करनी होती है, तो ये सब ऑफर लेटर में लिखा रहता है कि आपकी छुट्टी नहीं है, आपको भले पैसा उस समय आपको ज्यादा दे रही है, बट बाद में आपको ऑफर लेटर पढ़ना चाहिए वहाँ छुट्टी नहीं है। ऑफर लेटर में जैसे हमारा, मेरे ऑफर लेटर में था कि जो वीकली ऑफ है हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, तो हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, मतलब रोस्टर बनता है तो कभी फ्राइडे को छुट्टी होती है, कभी संडे को, मतलब फिक्स नहीं होता छुट्टी का, लेकिन हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है। और ये है कि अगर जैसे तुम अगर ओवर टाइम कर रहे हो, तुम 12 घंटे ड्यूटी करोगे तो उसका पैसा मिलेगा, 3 घंटे का पैसा मिलेगा। हाँ, एक बाकी और... जो ड्यूटी है 9 घंटे की। एक सवाल है, जब आप यहाँ, तो आपका मेडिकल, उससे पहले एक सवाल है, जैसे आप एयरपोर्ट पर आते हैं, कंपनी आपको वहाँ से आपका वीजा, आपका टिकट और आपके जो भी साथ के लड़के, आप एयरपोर्ट पर आ जाते हो दिल्ली एयरपोर्ट पे, उसके बाद आप जैसे फ्लाइट करते हो और यहाँ पहुँच जाते हो कोविड एयरपोर्ट पे, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होती है, क्या होता है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे एयरपोर्ट पे आते हैं उसे कंपनी वाले रिसीव करते हैं। अच्छा। कंपनी का कोई बंदा, जैसे कंपनी का बंदा आया था, हम आए थे, ड्राइवर आया था, तो हमें उसने रिसीव किया और उसके बाद यहाँ मतलब ऑफिस में लेके गया, फिर उसके बाद ऑफिस में आने के बाद फिर हमारा वो क्या बोलते हैं कोविड टेस्ट हुआ, तो कोविड टेस्ट होने के बाद दूसरे दिन फिर हमारा मेडिकल वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। तो उसमें जैसे काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं, क्योंकि देखो आप वहाँ से यहाँ तक व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाते हैं, आपको ये बंदे मिलेंगे वहाँ पर, आपको रिसीव, कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें जब हम आए थे तो हमें जो हमारा जो कंसल्ट जिसने हमें मतलब करवाया था मेन पावर से, तो उन्होंने हमें नंबर दिया था, जो हमारी कंपनी का जो HR था, HR मैनेजर, उनका नंबर दिया था, उनको बोला था कि जैसे तुम मतलब पहुंचोगे तो उन्हें व्हाट्सएप कर देना, कोई मतलब नेट तो फ्री रहता है एयरपोर्ट वाईफाई, तो वहाँ से उन्हें मैसेज कर देना और बंदा भेज देंगे रिसीव के लिए, और तुम्हारा जो भी बंदे तुम आ रहे हो उनका नाम लिखा होगा, तो तुम नाम देख के वो करना वहाँ पर। जैसे हम एयरपोर्ट पे पहुँचे थे तो हमारा, हम 3 लड़के आए थे तो हमारा नाम था, तो मैंने नाम देख के फिर ड्राइवर से बात किया, उसने फिर तब जाके हमारा डिटेल्स वगैरह लिया, पासपोर्ट वगैरह देखा। दूसरा अगला सवाल है कि इंडिया से आ जाओ यहाँ आते हो तो आपको बहुत परेशानी होती है, जैसे आप पहली बार, आप तो दूसरी बार आ रहे हो कोई जैसे देश में या और कहीं किसी भी देश में, तो इंडियन करेंसी कितनी लानी चाहिए, क्या उसकी जरूरत पड़ती है, या कंपनी आपको यहाँ से पैसा देती है जब आती हो आप एयरपोर्ट पर आ जाते हो, आपको खाना पहले दिन खाना और उसके बाद जैसे आपके कपड़े हपड़े प्लस जैसे बेड और बिस्तरा और काफ़ी चीज़ें जैसे मतलब रहता है कि यार यदि मैं पैसा नहीं ले जाता हूँ तो वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होती? पैसा क्या है कि 8 से 10 हज़ार रुपये तो रखने चाहिए साथ में, कभी भी कुछ हो सकता है, जैसे अगर इमरजेंसी क्या होता है कि कोई कंपनी नहीं देती है, हमने सोचा नहीं था कि मतलब कंपनी मतलब खर्चा देगी पहले, क्योंकि पहली कंपनी में हमें दिया नहीं था ना कंपनी ने खर्चा, हमारा अपना हम कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये लेके गया था, तो वो मैंने चेंज करा दिया था एयरपोर्ट पर जाते, तो वो मेरा मतलब 1 से 2 महीने जब तक ATM नहीं बनता है तब तक वो खर्चा चल गया था। तो ये है कि जो भी बंदे आ रहे तो ये है कि 8 से 10 हज़ार रुपये साथ में रखो, ज़्यादा भी लाने की जरूरत नहीं है, बहुत सी कंपनियाँ देते हैं, बहुत सी कंपनियाँ नहीं देती। पर आपको पैसा मिल गया था उसके बाद जैसे एयरपोर्ट में आए थे, जैसे हम एयरपोर्ट में आए जब हमारी ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग होने के बाद हम ऑफिस में गए थे, फिर हमें 20 KT मिला, मतलब सिम लिया हमने, नया सिम लिया। 20 KT कितना होता है इंडियन करेंसी में? कोई आईडिया? 20 KT इंडियन करेंसी का 10 KT हो गया 2600 रुपये। 2600 रुपये 5000 रुपये हो गए, 5000 रुपये कंपनी दे, तो अच्छा 5000 रुपये कंपनी दे रही है, उसके बाद 5000 का तो 2500 का तो सिम ही आते थे। हाँ, तो एक सिम ले सकता है। तो सिम के बारे में बताओ, जैसे गल्फ में एक ही सिम है, ओरिडो, HTC और जैन। हाँ। तो आपके सबसे कौन सा सिम अच्छा है, क्योंकि काफी लोग परेशान हो जाते हैं कि कौन सा सिम लूँ मैं, किसमें इंटरनेट ज्यादा होता है?
अब इंटरनेट तो सिम का तो अपन इतना पता नहीं है, लेकिन हमने जो सिम लिया ओरिडो लिया, क्योंकि ओरिडो के नेटवर्क अच्छे होते हैं ना। अच्छा, उस साइड में, उस साइड में तो हम हमारे जो साल में है उसमें ये अपना ओरिडो का अच्छा है। अच्छा, तो 1200 का आपको सिम पड़ गया, 2500 का, 2500 2600 का सिम। कितनी वैलिडिटी और कितना जीबी मिला उसमें? था 200 GB नेट था उसमें एक मंथ के लिए। अच्छा, तो उसमें एट मतलब 8 KT का भी होता है, तो उसमें मतलब कॉलिंग का नहीं होता, मेरा कॉलिंग का भी है ना लोकल। अच्छा, तो उसमें लोकल मिनट्स भी मिलते हैं 100 मिनट्स। और नेक्स्ट बारे डिसाइड करते तो कितना जीबी मिलता है, कितना उसमें 500 GB मिलता है 5 KT में। 5 KT में जो ऑफर के हिसाब से होता है, किसी का 300 GB है, किसी का 500 GB। अच्छा, तो क्योंकि लोगों के बहुत सवाल आते हैं मैं सिम का ला, उसके लिए आपको क्या चाहिए कुवैत का? सिम लेते तो यहाँ के जो सिविल आईडी है वो, सिविल आईडी भी आपका उस समय नहीं बना रहता है, जो जैसे कोई अपना दोस्त होता है या रूम पार्टनर है, कोई दोस्त है पुराना बंदा है तो उसका ले सकते हैं। मैंने तो ऐसे किया था, तो मेरे दोस्त था उस साथ वाला, उसका सिविल आईडी लिया था, उससे मिल गया था। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे आप किसी भी देश में जाते हो आपके पास एक होता है वीजा, वो आपका एक पेपर होता है, और एक आपको जो पासपोर्ट कॉपी है, पासपोर्ट से ही वो आपको सिम कार्ड मिल जाता है। किसी भी देश में आपको पासपोर्ट से एयरपोर्ट पे सिम मिल जाता है, या आप छोटे कोल्ड स्टोर या कहीं से भी आप सिम की दुकान से ले सकते हो। यहाँ पर किसी दोस्त की वो लेने नहीं चाहिए, पर ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो नंबर आपका आपके सिविल आईडी पर अटैच होता है, आपके बैंक में अटैच होता है, और हर जगह आपको उसी नंबर से जाना जाता है। और मैं तो ये बताना, ये राय देना चाहूँगा कि अगर जैसे जो भी भाई लोग कुवैत आ रहे हैं, तो इंडिया में भी एयरपोर्ट पे सिम मिल जाता है, सिम मिल जाता है, और यहाँ से भी सही सस्ता मिलता है। तो हमें भी किसी ने बोला था कि सिम ले लो वहाँ पे ना, तो हमने लिया नहीं, हमने सोचा शायद महंगा है सिम, क्योंकि वो हमें सिम दे रहा था 2000, शायद 2000 तक का दे रहा था, हमने लिया नहीं, हमने सोचा महंगा है। कंपनी प्रमोशन करते और लेना भी चाहिए। हम बता रहे हैं इस विषय पर मेरा सबसे ज़्यादा व्यू आया है लगभग, जो कैसे सिम लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज होते हैं कौन सी कंपनी होती है, जो इंडिया की सिम होती है क्या वो यहाँ काम करते हैं उसके बारे में बताओ। इंडिया का सिम यहाँ पे काम करते हैं, पर उसमें रिचार्ज करना पड़ता है हर महीने। हाँ, अगर जैसे रिचार्ज नहीं करोगे तो उसमें मैसेज वगैरह नहीं आएंगे, वो बंद भी हो सकता है, अगर 3 महीने तक रिचार्ज नहीं किया तो फिर बंद हो जाता है। हाँ, मेरा यहाँ पे इंडिया का सिम है, तो मैं रिचार्ज करते रहते हैं, मतलब एक दो मंथ होने वाला, तो एक बार रिचार्ज किया है, तो 2 महीने में एक बार रिचार्ज जरूर करें उसमें, तो उस मैसेज वगैरह जो भी है अपना अकाउंट्स का मैसेज वगैरह आते रहता है। कुछ ऐसा सवाल होता है जैसे आप, हाँ यहाँ जो लैंग्वेज की कोई दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ तो अरबिक लैंग्वेज और इंग्लिश दो लैंग्वेज है, ये कोई दिक्कत आती, आपको कोई दिक्कत आई थी? दिक्कत तो जब हमें वो ड्राइवर रिसीव करने आया था तो वो अरबिक था, उसे ना तो इंग्लिश आती है ना उसे हिंदी आती, वो अरबिक में बोल रहा था, तो मतलब उसने हमें रिसीव किया, उसे दिक्कत तो आई थी हमें, तो रिसीव करने के बाद रूम में ले गया, तो हमें वहाँ पे एयरपोर्ट पे सिम एम कुछ नहीं खरीद पाए, ना करेंसी चेंज कर पाए। उसके बाद जब रूम में आए तो उसके बाद तब जाके जब उसने अकोमोडेशन दिखाया और उसके बाद हमारा कोविड टेस्ट कराया, उसके बाद तब जाके बात समझ में आई। उसके बाद काफ़ी इंडियन लोग मिल गए होंगे, उसके बाद अपने इंडियन लोग काफ़ी थे, तो उनसे बातचीत करके। हाँ, एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, एयरपोर्ट में वैसे पैसा करेंसी नहीं करना चाहिए चेंज, क्योंकि जैसे अभी रेट चल रहा है कुवैत का 260 चल रहा है, 265 चल रहा है, आज का रेट है 265, तो आपको एयरपोर्ट में मिलेगा जब आप खरीदोगे पैसा तो आपको 300 पड़ेगा, एयरपोर्ट पर आपको थोड़ा और 20 रुपये ज़्यादा मिलेगा, तो एयरपोर्ट पर नहीं करना चाहिए। एयरपोर्ट से थोड़ा आगे अपने रूम के आसपास बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं, वहाँ पर आप कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा रेट मिलेगा, बहुत अच्छा रेट, जैसे 265 चल रहा है तो आपको 275-280 में हो जाएगा, ऐसे नहीं कि 310 में आपको देना पड़ेगा। और ये भी है कि अगर पहले चेंज नहीं कराएं, अगर कोई इंडिया से आ रहा है तो कंपनी पैसा देती है, तो अगर कंपनी पैसा नहीं दे रही तो फिर चेंज कराएं, अगर कंपनी पैसा दे रही है, अगर 20 KT देती है, 10 KT देती है, तो बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है, क्योंकि एक महीना हो जाएगा फिर सैलरी तो मिलेगी। कितना मैक्सिमम ऐसे एवरेज बताओ, जैसे आप 4 लोग खाना बनाते हो साथ, एक टाइम आपको कंपनी भी देती है, तो कितना खर्चा आ जाता है यहाँ की केडी? हमारा यहाँ हम लोग जो भी हमारा मतलब डे नाइट जिस शिफ्ट के हिसाब से है, तो उस हिसाब से नाइट में कितने बंदे होते हैं और जो मतलब डे वाले बंदे वो कितने होते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग 5-5 KT मतलब एक महीने का मिलाते हैं, 5 KT इंडिया का हो गया 1200-1300 रुपये। तो उसमें मतलब सारे लड़के मिलाते हैं, और उसके बाद एक महीने का राशन पूरा होता है, तो उसमें मतलब दाल सब्जी कुछ मतलब एक महीने का पूरा हो जाता है राशन। यहाँ तो बजटेबल थोड़ा महंगा है, 50-55 KT का खर्चा आता है पूरा, मतलब 8-10 लोगों का। अच्छा, और उसमें जैसे 4 लड़के अगर डे में है तो 5 लड़के नाइट में, उसमें शिफ्ट चेंज, किसी का कभी नाइट है तो किसी का डे है। एक और सवाल जो नए लड़के आते हैं उनके लिए बहुत राय है, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, कुवैत जैसे देश में देखो करेंसी की पावर बहुत ज़्यादा है, तो मिनिमम सैलरी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से?
यहाँ पे देखो यदि आप दुबई में हो तो दुबई में खर्चे बहुत हैं। अरे आप जो करेगा तो खर्चा इंडिया में भी कर सकते हैं ना, उसके 15,000 रुपये सैलरी है वहीं भी कर सकता है खर्चा, उसके बाद भी बचाता है। यहाँ मिनिमम के 30,000 तो सैलरी है, उसके बाद भी कम खर्चा है। क्या लगता है आपको? यहाँ खर्चा तो है लेकिन ये है कि कम से कम ये है कि सैलरी 200 तक तो होना चाहिए, 180 तक तो होना चाहिए सैलरी, क्योंकि ओवर टाइम अगर किसी का ओवर टाइम आता तो और अच्छा है। बेसिक जो है कि 150 से वो 150 इतना तो होना चाहिए, बाकी ओवर टाइम लगा के 200 तक आ जाए। और कोई डाउट है जैसे आपको दुबई और यहाँ कुछ अंतर बता सकते हो? जैसे मेडिकल, वहाँ एक ही मेडिकल होता है, यहाँ भी एक ही मेडिकल होता है? नहीं, यहाँ दो मेडिकल होते हैं। यहाँ पे दो में अभी एक मेडिकल हुआ है हमारा, जो बीजा मेडिकल होता है वो तो होता ही है। हाँ, उसके बाद जो अभी ये गम जो गवर्नमेंट का होता है, म्यूनसिपालिटी बोलते हैं, म्यूनसिपालिटी का जो मेडिकल होता है, अभी जब हमारा बीजा बला दिया मेडिकल तो जब हमारा अभी हमारी सिविल आईडी बन जाएगी तो सिविल आईडी के बाद हमारा वो मेडिकल होगा। उसको बनने में कम से कम 3 महीने लगता है, 3 महीने बाद आती है। हाँ, तो 3 महीने के बाद हम लोगों को कराना पड़ेगा। जैसे दुबई में हर साल मेडिकल होता है या नहीं? क्योंकि यहाँ तो हर साल मेडिकल होता है, जो सिविल आईडी जो आईडी होती है आपकी, एक साल बाद, आजकल तो ऑनलाइन भी हो रहा है, पर एक साल बाद हो ही जाता है। हाँ, दुबई में भी वही सीन है, दुबई में भी साल में गवर्नमेंट का जो बले दिया मेडिकल वही करना पूरा शुरू से करना पड़ता है, शुरू से करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट सब चीज़ होता है उसमें, एक साल में एक बार करना पड़ता है। बट ओमान में और बहरीन में ये तो नहीं था, आज के दिन में पता नहीं है। मैंने तो दो चार साल 2010 से 2014, 2014 से 2018 ओमान में रहा, वहाँ तो 2 साल में एक ही बारी मेडिकल होता है। अलग अलग है कंट्री के हिसाब से। बट कुवैत में जैसे मैं आया, यहाँ हर साल आपका मेडिकल होता है और मेडिकल का पूरा प्रोसेस सेम है। और यहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट के हुए क्योंकि यहाँ पब्लिक ज़्यादा है, कंपेरिजन ओमान और बहरीन। अच्छा, कुछ मैसेज देना चाहता है जैसे हमारे गाँव के बहुत सारे लोग, अभी मेरे यूट्यूब उनको मैसेज कैसे, मैं विदेश पहुँचे, मतलब जैसे एक छोटी सी कहानी है, मेरे साथ का लड़का है, उसका भाई है, उसने एचएम कर रखा है, दिल्ली के एयरपोर्ट में रहता है, सैलरी 15,000 रुपये, 15,000 रुपये इंडिया जैसे सिटी में, 15,000 रुपये दिल्ली जैसे सिटी में, 15,000 रुपये से आज के दिन में कुछ नहीं होता। उसको रेंट देना होता है, कल के दिन में उसकी शादी होगी, फैमिली होगी, तो उसको क्या विदेश आना चाहिए और कैसे विदेश आए हो? मतलब क्योंकि देखो मैं बहुत सारे एजेंट का इंटरव्यू तक मैंने ले लिया है, कौन सा एजेंट आपको अच्छा लगता है उसके पास जाओ, उनका काम ही है कि विदेश भेज रहा है, आप जहाँ पर फिट होते हो वहाँ पर आपको इंटरव्यू देना चाहिए। और प्रोसेस तो हमने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि बहुत सारे, हाँ, इंडिया में कुछ ज़्यादा बुरे हाल है बेरोजगारों के, होटल लाइन के, होटल लाइन के तो है, लेकिन ये है कि कंसल्टेंसी जो कि बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और बहुत सारे फेक हैं, फेक बहुत सारे फेक हैं, तब ये वो नहीं होता कि विश्वास नहीं होता किस पे यकीन करे किस पे नहीं करे। तो बहुत से कंसल्टेंसी है जो कि अच्छे, जैसे दिल्ली में मेन पावर, हम लोग मेन पावर था तो मेन पावर अच्छी वो है, कंसल्टेंसी है। उसके बाद देहरादून में है, देहरादून में काफ़ी सारे कंसल्टेंसी अच्छे हैं कि जो मतलब 100% वर्क मतलब सही होता है उनका, फेक नहीं होता कुछ। जो हम जब मैं दुबई गया था तो देहरादून से ही गया था, देहरादून से, तो वहाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जितना बोला था वही, ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा, जितना हमने पहले बात किया था जितना पैसे लेंगे उतना ही लिया था, एक भी रुपये ज़्यादा नहीं लिया था। तो सबसे पहले ये है कि वैकेंसी देखे बाहर के लिए, वैकेंसी उस हिसाब से मतलब कितनी सैलरी है पोस्ट पर, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। जैसे कोई किचन में काफ़ी सवाल होते हैं, जैसे काफ़ी जो लोग आ रहे हैं उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होता है, थोड़ा उनका बैकग्राउंड एच एम भी कर रखा है काफ़ी है, पर उनको विदेश आने पर उनको पता नहीं चलता कि कैसे, क्योंकि देखो आजकल यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे जो परमानेंट एच एम है, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, उनके ऐप के थ्रू, उनके ऐप भी हैं, बड़े बड़े जो कंसल्टेंट हैं उनके ऐप भी है, और उनके थ्रू उनको केवल मैसेज करना है और उनको सीवी सेंड करना है, वो खुद ही बुला लेते हैं आपको इंटरव्यू आया है, जहाँ के लिए आप फिट होते हैं वहाँ आपको जाना चाहिए। आजकल और बेसिकली जो सवाल पूछे जाते हैं वो बेसिक सवाल होते हैं, हैं वो आपको देख के बता देते हैं कि ये बंदा काम कर पाएगा। क्योंकि देखो यहाँ आपकी कंपनी में, जैसे हमारी कंपनी में एक किचन में लगभग 100 लोग होते हैं, अब यहाँ 100 के वहाँ 40 और 50 लोगों में काम करना पड़ता है, उसके बाद ओवर टाइम स्टार्ट हो जाता है। अब एक क्या है कि ये अभी जैसे अगर इंटरव्यू हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो अरब कंट्री का क्या होता है कि दुबई का तो ये सीन है कि वहाँ पे गम का मेडिकल नहीं होता है, दुबई में नॉर्मल मेडिकल होता है। अभी सऊदी का भी गम का मेडिकल होता है, कुवैत सबसे टफ होता है, कुवैत का, क्योंकि जितने भी अभी ये अरब कंट्री है सबसे टफ होता है कुवैत का। हाँ। तो इसमें ये एक चीज़ ये भी है कि जैसे अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तुम्हारा, उसके बाद मेडिकल सब चीज़ हो गया, उसके बाद जो गम का मेडिकल होता है, अगर उसमें सब कुछ होने के बाद अगर उसमें बाहर हो गया तो वो 6 मंथ तक अरब कंट्री में नहीं आ सकते। हाँ, ये भी देखो 6 महीने के बाद अप्लाई करना पड़ेगा,
तो यही है कि मतलब जो भी मेडिकल, अगर तुम मेडिकल गम का मेडिकल करने जा रहे हो, कुवैत के लिए अप्लाई किया है, लास्ट फाइनल मेडिकल करने जा रहे हो, तो उसमें मतलब पहले अपना एक टेस्ट करा दें, मतलब पहला वाला टेस्ट ओटीपीटी अपना सही रखें, उसके बाद मतलब आगे मतलब गम का मेडिकल के लिए जाएं। क्योंकि अगर तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड में मतलब थोड़ा बड़ा होगा, अगर तुम्हारा ओटीपीटी बड़ी होगी तो वो बाहर कर देते हैं, क्योंकि गम का मेडिकल थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे होगा तो वो बाहर कर देते, रिजेक्ट, सीधा रिजेक्ट कर। एक सवाल होता है, जैसे भी कोई बंदा है विदेश आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्या लगता है आपको आज के दिन में कोई, क्योंकि इंडिया में बहुत इतने सारे लड़के हैं, इतने नौजवान हैं, हमारे चौखान से यदि आप सोचेंगे तो हर तीसरा आज के दिन में 2010 के बाद हर तीसरे घर से एचएम बंदा है और फौज में है। चलो फौज तो बहुत अच्छी बात है, इसके बाद वो देखो ये है कि लोग बोलते हैं विदेश, लेकिन विदेश आना कोई आम बात नहीं है, और कोई इतना वो नहीं है, आसान नहीं है कि बोलते हैं कि चलो भाई विदेश, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर जैसे हम अभी यहाँ पे काम करें तो मैंने मेहनत बहुत की है, 5 से 6 मैंने हमने धक्के खाए हैं इस प्रोसेस के लिए, कहाँ से कहाँ गए, कहाँ से कहाँ गए, तब जाके हम लोग यहाँ पे अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है कि एजेंट को पैसे दे दो और आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, इंटरव्यू देना पड़ता है। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर 500 की वैकेंसी है तो वहाँ पे कम से कम 5000 लड़के होते हैं, तो 5000 लड़के में से 500 उन्हें सिलेक्शन की करना होता है, पूरा दिन भर इंटरव्यू होता है, ना खाना पीना कुछ नहीं, उसके बाद तुम सिलेक्शन हो जाते हो, उसके बाद मेडिकल होता है, कई चीज़ें होती हैं उसके बाद आगे, तो आसान नहीं होता है। अगर जो बंदा कुवैत का करता है तो कुवैत तो मतलब बहुत ही मुश्किल होता है कुवैत का, क्योंकि यहाँ के जो मिनिमम सैलरी है 30,000 से ऊपर ही है, यहाँ से यहाँ मतलब पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी करेंसी, हाईएस्ट सैलरी, हाँ सबसे अभी 200, अभी $1 की कीमत है जो इंडियन करेंसी में 42 चल रहा है, पर यहाँ $3, $3.5, $4 इकट्ठे करने पड़ता है, फिर एक एडी बनता है, जिसकी इंडियन करेंसी में अभी 270 पहुँचने वाला है। तो हर बंदा कुवैती आना चाहता है, ऐसे कुछ नहीं, कुवैत के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट आप दुबई भी जा सकते हो, और मेन है जब आप दुबई पहुंच जाते हो, कुवैत पहुंच जाते हो, बहरीन पहुंच जाते हो, तो फिर आपके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि आपको मैं फॉलो करता था, मैसेज नहीं करा। आप मैसेज करें हमको कहीं भी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर नहीं दे सकता हूँ, केवल आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, अपना यूट्यूब के नीचे आप मैसेज लिख सकते हैं, आपको कोई समझ नहीं आया, क्योंकि लोग बंदा है, जैसे अभी बहुत सारे लोग हमारे चौथान के लोग अभी ओमान में, उनका मैसेज आता है हमारा 12 घंटे ड्यूटी है, कोई छुट्टी नहीं है, खाना तो है, चलो 12 घंटे ड्यूटी है, कभी कभी वीकेंड में ज़्यादा ड्यूटी भी है बोला। तो मैंने कहा जब मैं ओमान में था, अपनी कहानी बताता हूँ, मैं तो बड़ी प्रॉपर्टी में था, मेरे तो वहाँ 5 दिन ड्यूटी थी, ओनली 2 दिन छुट्टी थी, और साल में ओकेशन था। तो ऐसे भी है, क्योंकि आप कंपनी के बारे में आप जान सकते हो, देखो इंस्टाग्राम है, यहाँ इंस्टाग्राम बहुत फेमस है, गूगल है, उसके बारे में सर्च करो कंपनी के बारे में, कंपनी का नाम पता करो कंपनी के बारे में, ये तो कैसे कंपनी है, सैलरी टाइम से देती है नहीं देती है, ये कि आने से पहले अपना जो इंटरव्यू दे रहे हो उसको देखो, कौन सी कंपनी है, कंपनी के बारे में पहले सर्च करो। हाँ। जैसे मैं इस कंपनी में आया था तो सालमिया इंटरनेशनल है, तो मैंने गूगल पे सर्च किया था, उसके बारे में देखा था कौन सी, इवन आपका मैसेज आया था मेरे पास, इस कंपनी के बारे में बता, इस कंपनी के बारे में मैंने आपको मैसेज किया था कि इसके बारे में थोड़ा पता करना कैसी कंपनी है, तो आपने बताया था कंपनी तो ठीक है, तो ऐसी मतलब गूगल पे चेक किया था मैंने, उसके बारे में रेटिंग जो भी है, तो उस हिसाब से मैं मतलब ये नहीं कि किसी ने भी तुम्हें बता दिया, इंटरव्यू दे दिया तुमने और तुम कंपनी के बारे में पता नहीं कर रहे हो, फिर उसके बाद आके तुम बोल रहे हो कि मैं यहाँ फंस गया, ये तो बहुत लड़के फंस जाते हैं। हाँ। तो ये ना करें, सबसे पहले रिसर्च करो कंपनी के बारे में कैसा है क्या है, ये चीज़ है, पहले जल्दी के चक्कर में ना रहे, जल्दी के चक्कर में ना रहे। जैसे मैं दुबई गया था पहले, तो दुबई में जो अटलांटिस में था मैं, अटलांटिस द पाम, वो काफ़ी बड़ा होटल है, वो 5 स्टार है, तो पहले उसके बारे में पता किया था, उसका भी ऑनलाइन होता है इंटरव्यू, तो देखा था, तो अच्छी कंपनी थी, अच्छा होटल है, तो पहले उसके बारे में पता किया, गूगल पे सर्च किया, तब जाके उसका इंटरव्यू देखे, उसके बाद तब जाके दुबई गया था। तो बाकी वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा 3 साल करने के बाद, उसके बाद फिलहाल इंडिया में थे, 1 साल तो इंडिया में ही काम किया, उसके बाद फिर कुवैत में। देखो पैसा के लिए आपको घर छोड़ना पड़ता है, आपको अपना शहर, अपना गांव, अपना देश छोड़ना पड़ता है, और देश के बाद आप जब विदेश आते हो, यहाँ काम करना पड़ता है, उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं, राइट। ऐसे नहीं कि आपको 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए जो सैलरी मिल रही है, जितना भी मिल रहा है, और आप वो पैसा बचा रहे हो, ये आपको अपना देश छोड़ के ही मिल रहा है ना, आपको फैमिली छोड़नी पड़ी, हर चीज़ छोड़ना पड़ा, कुछ करना पड़ा, क्या करें, और जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो काम के मिल रहे हैं ना, काम के, हाँ, जो आप 24 घंटे काम कर रहे हो, यहाँ तो 24 घंटे लगाओ, एक ही दिन तो छुट्टी रहती है, बाकी मतलब तो मैसेज रहते हैं कि ये करो ये करो, बाकी ये है कि काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे इंडिया में करो चाहे यहाँ बाहर करो, लेकिन ये है कि बाहर मतलब मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है साल में, लेकिन ये है कि इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में ज़्यादा मतलब 15 घंटे काम होता है, उतना पैसा नहीं मिलता है, ओवर टाइम को उतना पैसा नहीं देते,
ओवर टाइम देते नहीं है, बोलेंगे लेकिन देते नहीं है, क्योंकि मैंने खुद काम कर रखा, मैंने 3 साल का कोर्स किया, उसके बाद मैंने IIT JIIT की, उसके बाद होटल में काम किया 2-3 साल इंडिया में काम किया, फिर उसके बाद तब जाके मैं बाहर आया, तो मतलब इंडिया का भी एक्सपीरियंस है तो होटलों का, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, डबल मेहनत, और सेफ्टी कुछ नहीं होती है। लेकिन ये है कि बाहर जो कंट्री में लोग बाहर इसलिए बाहर सेफ्टी वाला, सेफ्टी फर्स्ट है, तुम काम कर रहे हो तो सबसे पहले सेफ्टी है, मतलब अगर तुम्हारी 9 घंटे की ड्यूटी है तो 9 ही घंटे की है, अगर तुम 1 घंटा एक्स्ट्रा करते हो तो उसका कंपनी तुम्हें पे करती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, हमारे अगर 9 घंटे की ड्यूटी है तो कभी कभी हमें 12 घंटे भी रोक देते हैं, जब तक पार्टी खत्म नहीं होती तब तक काम करना पड़ता है, तो उसका पैसा नहीं मिलता, तो ये चीज़ है इंडिया में, इसीलिए इंडिया में कई मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते, कोई पैसे की वजह से, कोई किसी प्रॉब्लम हो जाती है, किसका मेडिकल क्लियर नहीं होता है। और एक सवाल है, कौन सी एज अच्छी रहेगी विदेश आने के लिए, क्या लगता है आपका क्वेश्चन, जैसे मैं 22 साल में विदेश आया था, आप कितने साल में आए थे पहली बार? मैं भी 22 साल में आया था, तो 3 साल मैंने काम किया, तो उसके बाद मैं 1 साल इंडिया में रहा, फिर अभी यहाँ पे आया, तो 22 ऐसा कुछ नहीं है, 20 से 22 साल की उम्र में सही है विदेश अगर। और कोई एकदम 40 साल हो गया फिर विदेश में आना है, विदेश में कोई भी बंदा आता है यदि बड़ी पोस्ट मार रहा है तब तो ठीक है, यदि छोटी पोस्ट मार रहा है तभी ठीक है, पर कोई बंदा आता है मेरे को 1 लाख की सैलरी चाहिए, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन उसका भी पहले वो होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मतलब अगर कोई भी फील्ड से तुम आ रहे हो, मुझे 1 लाख रुपये सैलरी चाहिए, और उस हिसाब से तुम्हारी पोस्ट को होनी चाहिए, मतलब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके मतलब 1 लाख या 2 लाख तुम्हें सैलरी मिले, तो उस हिसाब से तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। काफ़ी लोगों का मैसेज आता है कि हमको, मैं इस पोस्ट में काम कर रहा हूँ वहाँ कितनी सैलरी मिलेंगी, सबसे पहले जो इंडिया में जो 1 लाख की सैलरी ले रहा है, कोई शेफ है, कोई इंजीनियर है, कोई IT से है, 1 लाख इंडिया में सैलरी, उसका देखो रूम का भाड़ा, आने जाने का भाड़ा, खाना पीना और टाइमिंग, जो उसका हर जगह खर्चा है, तो मुझे नहीं लग रहा वो 50-25 भी बचाता होगा, पर यहाँ यदि वो बड़ी पोस्ट बात है उसकी 4 लाख सैलरी है, तो उसकी 4 के 4 लाख रुपये सैलरी बचेगी, ओवर टाइम मिल जाता है यहाँ पे, और कंपनी अकोमोडेशन दे रही है, फूड अलाउंस, कोई कोई भूख नहीं देता, फूड अलाउंस देता है, तो यहाँ पे मतलब सारे फैसिलिटी। और एक बताओ, इमरजेंसी छुट्टी क्या आपको विदेश में मिलते हैं, या जो इमरजेंसी के लीव, जैसे यहाँ तो 4 घंटे का रास्ता है, आप इंडिया पहुँच सकते हो, कहीं भी पहुँच सकते हो, तो इमरजेंसी लीव मिलती है नहीं मिलती है, क्या इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इमरजेंसी लीव मिल जाती है, वो कंपनी पर डिपेंड करता है, कंपनी कौन सी, कोई कंपनी देती है कोई कंपनी नहीं, अगर जैसे इमरजेंसी किसको घर जाना है तो उसके लिए अपना गारंटर बात करो या गारंटर कोई एप्लीकेशन डालो, तो छुट्टी मिल जाती है इमरजेंसी। उसे 1 साल में छुट्टी जा सकते हैं? नहीं, 1 साल में कंपनी छुट्टी देती है, 1 महीने टिकट आपका, टिकट कंपनी का होता है, बहुत सी कंपनियां टिकट नहीं देती है, लेकिन जिस कंपनी में उसका टिकट है तो उसका मतलब आने जाने का दोनों रिटर्न टिकट, जैसे कोई वैकेशन पे जा रहा है तो उसको रिटर्न टिकट। दोस्तों आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी, आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम।